मंडल उपजन नालिकर एवं जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने रविवार को बीआरडी मेडिकल कॉलेज के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं प्रधानाचार्य एवं विभिन्न कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए कार्यों की समीक्षा की और कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी हासिल की। बैठक में मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि कार्यों को तेजी से पूरा कराया जाए। इसके बाद मंडलायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में निर्देश दिया कि कोविड-19 के इलाज के लिए वेंटिलेटर के बेडों की संख्या को बढ़ाया जाए, साथ ही प्राइवेट चिकित्सालयों में भी कोविड-19 के संक्रमितों का इलाज कराया जाए। उन्होंने जनपद में बढ़ रहे मृतकों की संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हम लोगों का कर्तव्य है कि कोविड-19 से किसी व्यक्ति की मौत ना होने पाए। मंडलायुक्त ने हर मृत्यु की डेट ऑडिट कर उसकी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। इसके उपरांत मंडलायुक्त ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में निर्माणाधीन गेस्ट हाउस एवं 100 बेड बॉयज हॉस्टल का निरीक्षण किया। गेस्ट हाउस का कार्य पूरा ना होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए यूपीपीसीएल के प्रोजेक्ट मैनेजर का वेतन रोकते हुए सभी स्टाफ को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिया। मंडलायुक्त ने 100 बेड बॉयज हॉस्टल का निरीक्षण के दौरान अप्रोच रोड एवं अन्य कार्य पूर्ण ना होने पर सहायक अभियंता अशोक कुमार का वेतन रोकते हुए आवास विकास के अधिशासी अभियंता को प्रतिकूल प्रविष्टि के लिए आवास विकास आयुक्त को पत्र भेजने को कहा। मंडलायुक्त ने निर्माण कार्य करने वाले दोनों फर्मों को ब्लैकलिस्ट करने का निर्देश दिया। इसके उपरांत मंडलायुक्त ने 100 बेड टीबी अस्पताल का निरीक्षण कर वहां L2 का कोविड-19 चिकित्सालय बनाने का निर्देश दिया। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी सदर गौरव सिंह सोगरवाल सहित अपर निदेशक स्वास्थ्य, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे। और ये भी पत्र दे देते हैं कि इसने एक पैसा रिलीज ना किया। ऑर्डर कर दिया पैसा नहीं।